केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि केंद्र दी मोदी सरकार वालों किए जा रहे कामों नूं देखदिआं पंजाब दी जनता नूं हुण भारतीय जनता पार्टी विच ही पंजाब दा भविख नजर आ रहा है। बठिंडा विच अज पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्हां कहा कि बीजेपी नूं पहलां सिर्फ शहरां दी ही पार्टी समझिआ जांदा सी पर हुण पिंडां विच वी दिन ब दिन भाजपा की लोकप्रियता वधदी जा रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तो बाद पंजाब विच कानून व्यवस्था विगड़ गई है अते फुटपाओ फिरका प्रस्त ताकतां सिर चुक रही ने। उन्हां कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच सरकार ने किसानां दे हित विच कई फैसले लए ने। मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि अब लोगों के मन में जो भ्रांतियां जानबूझ करके नियोजित तरीके से खड़ी की गई थी वो हटने लगी हैं। वातावरण अनुकूल है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग आशा की दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सरकार बनने के बाद 2014 से निरंतर किसान के कल्याण के लिए काम किया है और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट जिसकी चर्चा किसानों की चर्चा करते हुए जिस किसानों की चर्चा करते हुए हमेशा जो डॉक्टर स्वामीनाथन की बात होती है, डॉक्टर स्वामीनाथन ने खुद लिख करके इस बात को स्वीकार किया है और एक जगह नहीं अनेक जगह लिख करके बोल करके इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी रिपोर्ट के अनुरूप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार ने लेटर एंड स्पिरिट में काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज देश का किसान देश इस तो पहला गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी के वर्करां नाल एक मीटिंग की थी ते साल 2024 विच होने वाली लोक सभा चोणां दीआं तैयारियां दा जायजा लिया। इस मौके पंजाब भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा जनरल सकत्तर गुरप्रीत सिंह कांगड़ ते बठिंडा शहरी भाजपा के प्रधान सरूप चंद सिंगला भी मौजूद रहे।